तुम तो डाइटिंग शुरू करने वाली थी वजन कम करने के लिए। आप डाइट करने वाली हैं वेट कम करने के लिए? इस तीसरी प्लेट के साथ? सॉरी हाँ, लेकिन आप वाकई ओवरवेट हो गई। अब तो आपको डाइट कर ही लेनी चाहिए। वजन एक बार बढ़ जाती है आसानी से कम नहीं होता। तुम कल सुबह उठना और मैं इसे जॉगिंग पे चलूं। आप ही लाए, मुझे दे दे, मैं बना देती हूँ हारून भाई के लिए। अरे नहीं नहीं तो तुम्हें तो पढ़ना था ना। हो गया, मैं बना लूंगी, मैं दे आती हूँ। पढ़ ही रही थी लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स और स्टैट्स तो अब ऐसे हो गए कि मत पूछे। इकोनॉमिक्स हालांकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स ने तो परेशान ही कर दिया है मुझे। आप ही तो टॉपर थी ना इकोनॉमिक्स के, आप ही मेरी हेल्प कर दें। अरे कहाँ, अब तो इतना टाइम हो गया पढ़े हुए, अब कहाँ कुछ याद होगा। यही तो मसला है, समझ ही नहीं आ रही कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं। क्या करोगी, चेंज करोगी अब सब्जेक्ट्स? चेंज नहीं कर सकती ना, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं। तुम माही, तुम यूनिवर्सिटी में किसी से बात करो, किसी से हेल्प लो कि तुम्हें पढ़ा दे। बिजनेस रिलेटेड हेल्प तो मुझे लाजमी चाहिए। मैं कल अपने सर से बात करके देखती हूँ, कोई एक बिजनेस का एक्सपर्ट बंदा मिल जाए ना जो एटलीस्ट मुझे गाइड कर दे कि करना क्या है किस तरह से। तो बिजनेस में तुम हारून को क्यों नहीं कहती? हारून भी माशाल्लाह पोजीशन होल्डर रह चुके हैं मास्टर्स में। ओ, मुझे कोई ख्याल ही नहीं आया, लेकिन वो मुझे कभी भी टाइम नहीं देंगे। उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे इस घर में रहने दिया। अब इससे ज्यादा फेवर मांगूंगी तो कैसी बातें कर रही हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया पिछले दिनों, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। मैं देख रही हूँ हारून का रवैया भी तुम्हारे साथ काफी बदल गया है कुछ दिनों में। ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सोच रही हो। क्या फर्क पड़ता है, आप ही रहूंगी तो मैं वही ना, उनकी नापसंदीदा माँ। ऐसी बातें ना करो। मैं देख क्या